हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और आपका स्वागत है रेसिपी घर में। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी बीन्स, यानी कि बीन्स का नाश्ता जो आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैंने 100 ग्राम बीन्स लिया है। इसको मैंने धुलकर कपड़े से पोंछ लिया है। अब इसके ये जो ऊपर और नीचे का हिस्सा है, इसको काट कर निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने सारे बीन्स के ऊपर और नीचे का हिस्सा काट कर निकाल दिया है। अब इसको उबालना है। ये मैंने एक बर्तन में 2 ग्लास पानी लिया है। जब ये पानी उबलने लगेगा तब इसमें हम बीन्स डालेंगे। ये देखिए, पानी उबलने लगा है। अब बीन्स को पानी में डाल देंगे। टीस्पून नमक डालें। अब बीन्स को हाई फ्लेम पर थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ये देखिए, बीन्स लगभग हाफ कुक हो गए हैं। गैस बंद कर दें और बीन्स को निकाल लें। ये देखिए, बीन्स हाफ कुक हो गए हैं। इसको हाफ कुक करने में सिर्फ 4 मिनट लगे हैं। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। अगर आपसे बीन्स ओवर कुक हो जाता है तो आप बीन्स को तुरंत ठंडे पानी से धुल लें। जब तक बीन्स ठंडी हो रही हैं, तब तक हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए एक बोल लें। अब इसमें हम 1/4 कप मैदा छान लेंगे। अब इसमें मसाला मिलाएंगे। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/8 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। नमक बीन्स को उबालने में भी डाला है, इसलिए ज्यादा नमक नहीं डालेंगे। मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल बनाएंगे। आप चाहे तो इसे बेसन के साथ भी बना सकते हैं। ये देखिए, अभी इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बैटर ना ज्यादा गाढ़ा है ना ज्यादा पतला है। हमें ज्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है। ये देखिए, बैटर तैयार है।
ये देखिए बीन्स भी एकदम ठंडी हो गई है। मैंने कढ़ाई में ऑयल भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब हम बीन्स को पहले बैटर में डिप करेंगे। फिर इस तरह से ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारी बीन्स को बना लेंगे। ब्रेड को मिक्सी में पीस कर मैंने ब्रेड क्रम्ब बनाया है। ये देखिए सारी बीन्स को मैंने बैटर में डिप करके ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया है। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल भी गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके बीन्स को डालेंगे। अब बीन्स को लो फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे। बीन्स को थोड़ा उलट पलट देंगे जिससे कि वो हर तरफ से बराबर पक जाए। ये देखिए बीन्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी बीन्स को डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सारी बीन्स को मैंने डीप फ्राई कर लिया है। अब इसको हम सर्व करेंगे। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म क्रिस्पी बीन्स। आप इसे हरी चटनी के साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर करिए। बाय बाय।